मूवी की शुरुआत में एक मोटा आदमी अपनी दुबली पतली वाइफ और अपने बेटे कॉन्स्टेंटीन के साथ पिकनिक पे आया है। जब वो लोग कॉन्स्टेंटीन को अपने हाथों से झूला झूला रहे थे, वाइफ हवा में एक टॉवल को उड़ता देखती है। एकदम से अर्थ की ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। उस मोटे आदमी को छोड़ के बाकी सभी लोग हवा में तैरने लगते हैं। उसकी वाइफ और बेटा भी हवा में फ्लोट करने लगते हैं। वो मोटा आदमी अपने बेटे का हाथ पकड़ उसे ऊपर जाने से रोक लेता है, जिसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे आखिरी बार देखती है और उसका हाथ छोड़ देती है। मोटा आदमी बड़ी मायूसी से अपनी वाइफ को हवा में ऊपर जाता हुआ देखता है। जैसे ही वो अपने बेटे को अपने पास खींचता है, एकदम से उसकी नींद खुल जाती है और वो घबरा जाता है। ये 20 साल पुरानी एक सच्ची घटना है। एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट की वजह से मून का शेप बदल गया था और अर्थ की ग्रेविटी गायब हो गई थी। इस एक्सीडेंट की वजह से ऐसी कंडीशन बन गई थी कि जिस भी चीज़ का वेट 120 केजी से कम था वो हवा में तैरने लगी थी। अगले सीन में मून के अजीब से शेप को दिखाया जाता है। कॉन्स्टेंटीन और उसका फादर किचन में बैठ के लंच कर रहे हैं। उनका टेबल वॉल से एक ब्रैकेट का यूज़ करके लगा हुआ है और घर के अंदर एक ग्रेविटी मीटर चालू है, जिससे ग्रेविटी लेवल में चेंज पता चलता है। उन्होंने घर के बुकशेल्फ को भी एक पिंजरे में बंद कर रखा है। टीवी पे एक इंसान ये बता रहा है कि आज न्यूलैंड नाम के अमेरिकन शटल का एक्सीडेंट हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। वो सबको ये बताता है कि आज फुल मून का भी दिन है, जिस कारण अगर कोई चांद को बिना काला चश्मा पहने देखेगा तो उसकी आँख खराब हो सकती है। जैसे ही टीवी एंकर सभी को मृतकों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखने के लिए कहता है, घर पे बाप बेटे की जोड़ी को एक अजीब सी आवाज़ आती है। जल्दी उनका खाना और प्लेट्स हवा में तैरने लगते हैं। कॉन्स्टेंटीन बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में फ्लोट होने से बचाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका हाथ छूट जाता है और वो भी सीलिंग में जाके चिपक जाता है। उसके फादर फ्यूज को गाली देके ग्रेविटी मशीन को चेक करने जाते हैं। वो एक नॉब को घुमाता है और कॉन्स्टेंटीन को बताता है कि वो फिर से मशीन को ऑन करने वाला है। कॉन्स्टेंटीन अपनी आंखें बंद करके नीचे गिरने के लिए रेडी हो जाता है और तभी मशीन स्टार्ट हो जाती है। चीज़ें एकदम से नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से कॉन्स्टेंटीन के फादर अपने सिर पे हाथ रख के अपने आप को बचाते हैं। कॉन्स्टेंटीन भी नीचे गिर गया है और उसे चोट भी आई है। फादर अपनी वाइफ की एक फ़ोटो वापस वॉल पर लगा देता है। वो फिर कॉन्स्टेंटीन से पूछता है कि उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। कुछ देर बाद कॉन्स्टेंटीन का फादर अपना वेट चेक करता है, जो कि 120 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। वो ये सोच के परेशान होने लगता है कि अगर उसका वेट भी 120 केजी से कम हो गया तो वो भी अपने बेटे की तरह लाचार हो जाएगा। फिर वो 20 केजी का एक बॉल अपने बैग में डाल के बाहर चले जाता है। वो जाते जाते कॉन्स्टेंटीन को कहता है कि उसने कॉफ़ी बना के टेबल पे रख दी है। कॉन्स्टेंटीन का वेट कम होने के कारण वो हमेशा चार दीवारी के अंदर ही रहता है और अपने दूरबीन से हमेशा बाहर के लोगों को देखता रहता है। वो बाहर देखता है तो उसे एक आदमी एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में अपने हाथ में एक फ्लोटिंग बैग पकड़ा हुआ दिखता है। फिर वो अपने फादर को दो मोटी औरतों से बात करता देखता है, जो अपने कुत्तों को घुमाने आई है। दूसरे एक अपार्टमेंट में वो एक औरत को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नीचे फेंकते हुए देखता है, पर वो उड़ के वापस ऊपर आ जाता है। रास्ते में खड़ी एक औरत कॉन्स्टेंटीन के फादर के बारे में गॉसिप करने लगती है। वो कहती है कि वो अपने बेटे को बाहर ना आने देके टॉर्चर कर रहा है। वो लोग कहती है कि उसे कभी कभी किसी भारी चीज़ से बांध के बाहर ले आना चाहिए। वो लोग बहुत देर से बातें कर रही है, इसलिए उनके कुत्ते घर वापस जाने के लिए भौंकने लगते हैं। कॉन्स्टेंटीन अब घर पे रह के परेशान हो गया है, इसलिए वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की पूरी कोशिश करता है। वो एक कैसेट प्ले करता है जिसमें समंदर के लहरों की आवाज़ आ रही है। वो फिर एक बड़ा सा अम्ब्रेला खोल के सोफे को कवर कर देता है। वो फिर अपने कपड़ों के लेयर्स को निकाल फेंकता है, जो कि वो ग्रेविटी में चेंज होने के कारण पहनता है। वो फिर सनग्लासेस और लोशन लगा के ऐसा सोचने लगता है कि वो एक बीच पे लेटा हुआ है। कुछ देर बाद ही वो एक कार का हॉर्न सुन के विंडो के पास देखने जाता है। एक क्यूट पर मोटी लड़की कार से बाहर निकल के आती है और ऊपर देखने लगती है। कॉन्स्टेंटीन अपने दूरबीन से ऊपर नज़र गड़ाए हुए है। तभी वो लड़की अपने बाल खोल देती है और कॉन्स्टेंटीन को देख अपना हाथ हिलाने लगती है। कॉन्स्टेंटीन उसे देख के एकदम से शर्मा जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। वो अपने कपड़े वापस पहन के एक चार्ट में हेलो लिखता है। वो फिर खिड़की के पास जाके उस लड़की को वो दिखाने जाता है, पर ऐन मौके पे डर के मारे अपना मन बदल लेता है। उसके फादर के घर वापस आने के बाद कॉन्स्टेंटीन उसे खाना सर्व करता है जो उसने बनाया था। उसके फादर उसका एप्रन देख के उससे कहते हैं कि ये तो लड़कियाँ पहनती है, पर वो उससे कहता है कि ये कोई भी पहन सकता है। फादर ये कह के भावुक हो जाता है कि ये एप्रन उसकी माँ का है, इसलिए कॉन्स्टेंटीन वो निकाल के वापस रख देता है। फादर फिर से बाहर जाने से पहले अपना वेट चेक करता है। वो ये देख के परेशान हो गया है कि उसका वेट कम होके 120 केजी के पास आता जा रहा है। कॉन्स्टेंटीन डोर पे बने होल से देख लेता है कि उसका फादर बाहर चले गया है। उसके बाद वो कुछ अडल्ट मैगजीन के साथ टाइम स्पेंड करने की सोचता है। कॉन्स्टेंटीन अपने अकेलेपन का पूरा फायदा उठाने लगता है।
वो उस वैन वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है। एकदम से उसकी मैगजीन नीचे गिर जाती है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। वो जैसे ही मैगजीन वापस उठाता है, उसे एक पेज पे गेटिंग फैट इन ए हेल्दी वे नाम का आर्टिकल मिलता है। वो एक बर्गर का ऐड था जिसमें लिखा था कि अच्छा खाना खा के कोई भी 120 केजी का हो सकता है। कॉन्स्टेंटीन वो ऐड देख के पूरी तरह कन्विंस हो गया है कि वो अपना वेट बढ़ा सकता है, इसलिए वो बहुत सारे बर्गर ऑर्डर करके खाने लगता है। कुछ बर्गर खाने के बाद वो अपना वेट चेक करता है और ये देख के खुश हो जाता है कि वो पहले से थोड़ा बढ़ गया है। तभी उसे फिर से नीचे से एक गाड़ी की हॉर्न मारने की आवाज़ आती है, इसलिए वो जल्दी से जाके चार्ट पेपर पे अपना नाम लिख देता है। जैसे ही कॉन्स्टेंटीन की सपनों की रानी अपने वैन से निकल के बाहर आती है, वो अपना चार्ट उसे दिखाने लगता है। वो लड़की कॉन्स्टेंटीन की तरफ देख उसे हाई करने लगती है। इस छोटी सी मुलाकात के बाद कॉन्स्टेंटीन बाकी के बचे बर्गर खाने लगता है। उससे और बर्गर खाया नहीं जा रहा, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो धीरे धीरे सारे बर्गर्स खत्म कर देता है, लेकिन जल्दी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके फादर के पास एक फ़ोन कॉल जाता है जिससे उसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन को फूड पॉइजनिंग हो गया है। वो दौड़ के घर वापस आ जाता है। वो अंदर जाके कॉन्स्टेंटीन को बेड पे बीमार पड़ा हुआ देखता है और एक डॉक्टर उसे देखने के बाद वापस जा रहा है। बाद में कॉन्स्टेंटीन किचन में उसके फादर का लिखा हुआ नोट देखता है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि अपना प्रॉमिस कभी मत भूलना। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन अपना वेट फिर से चेक करता है और उसे ये देख बड़ा बुरा लगता है कि उसका वेट 50 केजी हो गया था। वो अपने ड्रेस के अंदर पिलोज वापस डाल के उस लड़की को चार्ट में फिर से कुछ लिख के दिखाना चाहता है। नीचे वो लड़की कॉन्स्टेंटीन के रूम की ओर देखती है पर वो उसे विंडो पे नहीं दिखता। अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होके कॉन्स्टेंटीन कैसे भी करके बाहर जाना चाहता है। वो अपने आप को एक फ्रिज से बांध के मेन डोर तक लेके चले जाता है। जैसे ही वो बाहर जाने वाला था, उसके फादर ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं। वो बिना कॉन्स्टेंटीन को फ्रिज से खोले उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। फादर फिर अपने घर का सभी भारी सामान और कहीं भेज देते हैं ताकि कॉन्स्टेंटीन फिर से ऐसी कोई हरकत ना करे। कॉन्स्टेंटीन उस लड़की से जाके बात करना चाहता है पर उसके फादर उसे कभी बाहर नहीं जाने देते। फादर उसके रूम में जाके देखते हैं कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो अपने रूम में वापस जाके एक जूते पे कुछ काम करने लगता है। वो काम करते करते चेयर में ही सो जाता है। वो सपना देखता है कि उसका बेटा उसका हाथ छोड़ के हवा में ऊपर जा रहा है। ये बुरा सपना देखते ही उसकी आँख खुल जाती है। उसकी नींद खुलते ही वो अपनी वाइफ की फोटो और कुछ सामान सीलिंग पे देखता है, खराब ग्रेविटी मशीन के फ्यूज़ के कारण। लेकिन वो एक अजीब चीज़ नोटिस करता है कि वो जूता ऊपर नहीं गया था। वो उन जूतों को ऊपर से फेंकता है, फिर भी वो वापस नीचे आ जाते हैं। फादर फिर ग्रेविटी स्विच को ऑन कर देता है जिस वजह से ऊपर की सारी चीज़ें उसके सिर पर गिरने लगती है। जब कॉन्स्टेंटीन अगले दिन किचन में जाता है, फादर वो जूता वहाँ ला के टेबल पर रख देता है। कॉन्स्टेंटीन उससे कहता है कि ये तो लेडीज शूज़ है। फादर उसे रिप्लाई देता है कि इसे कोई भी पहन सकता है, उसके माँ के एप्रिन की तरफ। कॉन्स्टेंटीन जल्दी से उन शूज़ को पहन लेता है और एक मेटालिक वेट से भरा बैग उठा लेता है। उसके बाद वो ग्रेविटी मशीन को ऑफ कर देता है, लेकिन इस बार कॉन्स्टेंटीन हवा में फ्लोट नहीं करता, जो देख वो बड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद कॉन्स्टेंटीन उस शूज़ और बैग लेके अपार्टमेंट के बाहर जाके देखता है कि उसे कैसा फील होता है। उसके फादर विंडो से ये सब देख रहे हैं। वो उसके आगे वाले अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। वैन वाली लड़की अपने बालकनी से ये सब देख रही है। कॉन्स्टेंटीन उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंच के उसकी तरफ देखने लगता है। एकदम से वो अपने शूज़ का पावर ऑफ कर देता है। उसके फादर चिल्लाते रहते हैं कि ऐसा मत करो। कॉन्स्टेंटीन फिर अपना बैग भी फेंक देता है और अपना पिलो भी निकाल देता है। वो ऊपर जाते जाते अपनी आँखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, जिस कारण वो और ऊपर नहीं जा रहा। कॉन्स्टेंटीन ये देख स्माइल करने लगता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो उसे देख स्माइल कर रही है। ये सब देखने के बाद कॉन्स्टेंटीन का फादर अपनी वाइफ की फ़ोटो की तरफ देख के विंक करता है। मूवी के एंड में एक रेडियो को फ्लोट करता दिखाया जाता है। रेडियो का होस्ट एक सरप्राइज गेस्ट का वेलकम कर रहा है जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। उसे उनके ऑडियंस के लिए कुछ शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। वो एस्ट्रोनॉट उस भयानक एक्सीडेंट से बच गया था। वो बड़े दुख के साथ सभी लोगों को ये बताता है कि अर्थ की कंडीशन पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी।